लोक सुखी और परलोक सुहेला। अक्सर हम यही कहते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ बातें ऐसी हैं उन बातों के हमने अमल नहीं किया तो हम लोग तो सुखी कर लेंगे, खूब बाई बाई हो जाएगी, मगर परलोक आपका सुहेला हरगिज नहीं हो सकता। अगर ये दो तीन बातें जो हैं, दो तीन चीज़ें जो हैं, अगर आपके पास हैं, आपने उनका त्याग नहीं किया, आपने उनको छोड़ा नहीं, आपने उनको भुलाया नहीं, आपने उनको दिया नहीं, तो आप इस भ्रम में मत रहना कि हमारा परलोक सुहेला हो जाएगा। ये सत्य बात है, ये आपको पूरा वीडियो देखोगे आपके सब समझ में आ जाएगी। अभी तो बस शुरुआत की है और इतना बता दिया कि हाँ ये बात हकीकत है। हम लाख सेवा कर लें, लाख सत्संग कर लें, लाख शुभ्रण कर लें, चाहे हम तन की सेवा, दिन रात तन की सेवा में लगे रहें, और चाहे हम अपना सर्वस्व निछावर धन की सेवा में सब कुछ निछावर कर दें, सब कुछ लगा दें, तो इससे क्या होगा कि आपका लोक सुखी हो सकता है पर लोक सुहेला नहीं हो सकता है। हमें जो कहते हैं आवागमन का चक्कर, 84 चक्कर से हम बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। इसके लिए जो बातें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमको त्याग करना है, और त्याग करना बहुत ज़रूरी है। त्याग करने का मतलब ये नहीं कि हमें शरीर को छोड़ दें, हम घर जाना छोड़ दें, हम रोटी खाना छोड़ दें, हम अपने परिवार को खर्चा देना छोड़ दें, हम नौकरी जाना छोड़ दें, हम बिजनेस करना छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ छोड़ना नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं कि कहते पास होके भी उसका पास ना होना, एहसास होके भी उसका एहसास ना होना, कि नज़र के सामने भी रह के, तो कौन नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है कि हमें मुक्ति मिले, हमें शांति मिले, हमारी आत्मा का कल्याण हो, हमें 84 के चक्करों से हम बच जाएं। मगर कहते हैं हर चीज़ की कीमत होती है, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हम ये भ्रम पाल लें कि हम सेवा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और सुमरण कर रहे हैं, इससे हमारे आत्मा का कल्याण हो जाएगा, हमने ज्ञान ले लिया इससे आत्मा का कल्याण हो जाएगा, 84 चक्करों से बच जाएंगे, नहीं। अब आप सोच रहे हो ये तो नहीं ऐसा, देखो हमें साफ साफ शब्दों में, हमें ज्ञान लेने के बाद हमारी जिंदगी एक नए सिरे से चलती है। जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमारा एकदम रुख ही बदल जाता है, और कुछ दिनों तक हमारा रुख बदला हुआ होता है, फिर हम इसी दुनियावी उसमें रंग में रंग जाते हैं, हम फिर वही चाल चलने लग जाते हैं। भाई एक कहावत है हमारे गाँव में, एक मटिया सांप, कितना भी कुछ कर लो वो चलेगा अपनी ही चाल, उसको पत्थर मारो चाहे डंडे मारो चाहे कुछ भी करो, मिट्टी वाला सांप जो होता है वो अपनी ही चाल चलेगा, कितना भी कह लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो हमारी दशा है, हम यही कर रहे हैं, हमें सेवा सत्संग सुमरण बताया तो है किस तरह से सत्संग करना, सेवा कैसे करनी है, तन की सेवा हो चाहे धन की सेवा हो, और हमें किस तरह से समाज में रहना है और किस तरह से हमें परिवार में रहना, और कुछ चीज़ों का जो है हमें त्याग करना। त्याग ऐसे नहीं करना कि छोड़ देना, एकदम से भूल जाना, उसका मतलब कभी जिक्रा नहीं करना, उसका कभी फिक्रा नहीं करना, उससे कभी मिलना नहीं, उससे कभी जुलना नहीं, उसको कभी छूना नहीं, उसको कभी खाना नहीं, उसको कभी पीना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर कुछ चीज़ें हैं, शायद आप लोग कुछ समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि अभी बता दूं, पहले क्या होता कि माहौल बनाना पड़ता है, थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ता है, आपको पूरी तरह से अपनी तरफ मतलब एक दूसरे का थोड़ा परिचय तो हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा 84 के चक्करों से छुटकारा हो जाए, हमारा आत्मा का कल्याण हो जाए, हमें कहते हमने खूब धन कमाया, खूब काम मेहनत करी, 2-4 मकान बना लिए, गाड़ियां भी खरीद ली, बहू भी घर में ले आए, और बेटी भी विदा कर दी, बेटी को भी खूब लाखों का वो दान दे दिया, और बहू भी खूब लेके आई, बेटा भी सरकारी और बिटिया भी सरकारी, आने वाली बहू भी सरकारी हो गई है, अब किसी चिंता वाली कोई बात नहीं। लोग तो आपने इतना सुखी कर लिया है कि आपसे बढ़कर तो दुनिया में कोई है ही नहीं, मगर परलोक की बात जब आती है, हम यहाँ ये मनुष्य शरीर में जो आए हैं परलोक सुहेला करने के लिए आए हैं, ना कि लोक सुखी। लोक तो वैसे ही सुखी हो जाएगा, लोग तो सभी का सुखी है, अरे भिखारी का भी सुखी है, देखो उसके पास भी पैसा है, जिसके पास छोटी मोटी नौकरी उसका भी सुखी है, हर कोई अपना लोक सुखी कर लेता है 4 पैसे कमा के, जैसा अपना परिवार होता है, अपने पास जैसी आमदनी होती है उसी हिसाब से परिवार में बंदा खर्च करता है, तो लोग तो सभी का सुखी रहता है।
अक्सर हमें लोग से भी शिकायत होती है इससे क्या कि हमारे प्रारब्ध जो कर्म होते हैं, पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म होते हैं उनका हमें कि जैसे इस टाइम कुछ योनियां ऐसी योनि है, तो जैसे कि देखा गया कि ये कर्म योनि है और ये जो धरती है ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करना पड़ता है। जैसा हमारा अपना प्रारब्ध कर्म हमारे रहे होंगे, पूर्व जन्म के जैसे कर्म रहे होंगे, हमने जैसा जैसा बीज डाला होगा हमें वही फसल यहाँ काटनी पड़ती है, वो भी कर्म रूपी फसल के तौर पे हमें कर्म करके, और जैसा हम कर्म कर रहे हैं वैसा हमें फल मिल रहा है, ये हमारा आज का है। और जो हमारे साथ होनी अनहोनी घटती रहती है ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है, जिसमें हम कहते हैं भाई भगवान पता नहीं कौन से पुराने जन्म का कर्जा ले रहा है, तो ऐसे हमारे मुख से कई बार निकलता है। तो हम सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक धन्यवाद करता हूं मैं, और सभी मेरे मित्र भाई जो सब्सक्राइब है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज एक एक बात आपको बताऊंगा जो हमारे संत महात्मा हैं, क्योंकि भक्ति के मार्ग में चतुराइयां चालाकियां पढ़ाई लिखाई और ये कमजोरी शरीर की ताकत, बलवान कोई पहलवान कोई कैसा, ये सब कुछ नहीं चलता है। हमारे यहाँ मन की चालाकियां चतुराइयां बिल्कुल नहीं चलती हैं। मन में अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम बसा हुआ है, एक मनुष्य के प्रति दूसरे मनुष्य का प्रेम है, हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, तब तो मुबारक है। नहीं तो हम सत्संग जाते हैं, सत्संग में जाके अच्छी बातें हम सीखते हैं और कई बार हमें मौका मिलता है तो हम कुछ अपने अपने मुखारबिंद से चार शब्द हम भी अच्छे कह देते हैं, ताकि जो संगत में लोग बैठे होते हैं संत महात्मा उनको कुछ प्रेरणा मिलती है, वैसे हम प्रेरणा लेके आते हैं। अगर वही बचन कहते सत्संग हम सप्ताह में एक कर लें, सप्ताह में एक सत्संग अगर हम कर लेते हैं और उस एक सत्संग में कोई एक वचन भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो भी आपका कल्याण है, मगर हम ऐसा कर नहीं पाते हैं, इसमें हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो आप दो तीन बातें ऐसी हैं वहाँ बताएंगे, वैसे तो बातें सभी को पता है, जब तक वो काम नहीं करोगे तो मैं सब ये गारंटेड कह रहा हूँ, चाहे लाख सेवा करो, सत्संग करो, रोज सत्संग जाओ, दिन रात सुमरन करो और तन की सेवा लगे रहो और धन की सेवा भी बिल्कुल आप पीछे मत हटो। जब धन की सेवा की बारी आए बढ़ चढ़ के आप धन की सेवा में सहयोग करो और तन की सेवा में सहयोग करो और भाग भाग के सत्संग जाओ, और वहाँ जो भी सेवा मिलती है, चाहे जोड़ों की सेवा हो, चाहे सफाई की सेवा हो, दरी बिछानी हो, चाहे उठानी हो, चाहे कुछ भी करना हो, प्रसाद बनाना हो, प्रसाद बांटना हो, कोई भी सेवा मिले खूब भाग भाग के करो। अगर ये दो तीन बातें आपके अंदर आए तो कोई फायदा नहीं है वास्तव में, क्योंकि आप मैं पहले भी कह चुका हूं सत्संग तो हफ्ते में एक या दो करने को मिलती हैं, मिलती क्या जाता हूँ, बाकी बस इन्हीं किताबों में इन्हीं में ढूंढता रहता हूँ, आप जी के वचन सुनता हूँ, कभी किसी को सुनता हूँ, इनसे फिर सीखता हूँ कि हाँ ऐसा क्यों कहा, तो पूरे तरह मंथन करता हूँ। जैसे हम सत्संग जाते हैं कोई एक वचन आता, कई बार क्या होता आपने देखा होगा कि हम कई बार परेशान होते हैं, हमारे अंदर कोई दुविधा भरी बातें ऐसी होती हैं, हम उनको लेकर सत्संग में जाते हैं और सारी बातें जितनी हमारे अंदर पनप रही होती उन सारे सवालों का जवाब सामने से हमें सत्संग में मिल जाता है और हमारी बातों का ही सारा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनने वाली बातें हैं वास्तव में, तो मैं यही चाहूंगा कि अगर हम सत्संग से जुड़े हैं, सेवा से जुड़े हैं और बहुत ही सौभाग्यशाली बड़भागी हैं जो निरंकारी मिशन से हैं, तो कहते हैं कुछ बातें हमारे अंदर हैं, कुछ कमियां हमारे अंदर हैं, जब तक ये कमियां, ये कमी नहीं है, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी जरूरत है, उस जरूरत को हमने पकड़ लिया। अब जैसे कि बताता हूं उस चीज को छोड़ना नहीं, कहते पास रह के भी पास नहीं है, पास रह के भी पास ना हो, एहसास हो के भी एहसास ना हो, तो मैं बता ही देता हूं मैं कि ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, अक्सर वीडियो लंबा हो जाता है, हमें भी थोड़ा तकलीफ होती है वीडियो डालने में, क्योंकि अपना नेट भी तो खर्च होता ज्यादा और आपका समय भी लगता है, और जो बात बताने वाली होती है वो मैं बाद में बताता हूँ, तो आप लोग कई बार कहते हो, कई कमेंट आते हैं कि जल्दी बता दिया करो, आप बहुत लंबा खींचते हो, बहुत गोल गोल घुमाते हो, ऐसे भी कमेंट आ जाते हैं। तो मैं चाहूँगा, आपको सभी को पता है
कि जब तक, अब चलो बता ही देता हूँ मैं, बता दूँ आपको तो बता देता, चलो आप कहते हो तो मैं बता ही देता हूँ मैं। अगर देखो तीन तीन बातों की बात की है मैंने कि अगर तीन चीजें नहीं छोड़ी तो आप सेवा सत्संग सुमरण जिंदगी भर करते रहो, जिंदगी भर करते रहो, आपका परलोक सुहेला नहीं हो सकता जब तक ये आदतें आपके अंदर है। कौन सी? ये छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी नहीं है, कैसे करनी इसका मैं अभी बता देता हूँ। तन मन धन, इन तीन चीजों को अपने से दूर कर देना है। कैसे दूर कर देना है? देखो तन आपके साथ रहेगा, रहेगा तन आपके साथ रहेगा, तन नहीं तो कुछ नहीं, दुनिया नहीं, आप दुनिया में नहीं हो, ना आपके रिश्तेदार ना आपके परिवार, तन है तो सब कुछ है, तन से ही सब कुछ जुड़ा हुआ, मगर तन को अपना नहीं समझना। तन गोरा है, काला है, खुजली वाला है, चाहे दर्द वाला है, चाहे टूटा है, चाहे फूटा है, चाहे दिखाई कम दे रहा, चाहे सुनाई कम दे रहा है, चाहे बाल सफेद हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, परमात्मा का है भाई, जैसे मर्जी इसका रखना है वैसे रखे, बस तन की बात। मन की बात, मन दिया है, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, सबका भला सोचो। हे कहते हैं ना सबका भला करो करतार, अरे सबका भला तो तब वो करेगा पहले तुमने भला, वो खुद नहीं करता है, इस शरीर से करवाता है, कोई ना कोई जरिया पैदा कर देता है। जैसे कि आज हमें इस परमात्मा निरंकार की पहचान के लिए इस रूप में सदगुरु रूप में सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी के रूप में अब हमारे सामने हैं और हमें सत्य का बोध कराते हैं कि ये है सत्य। तो मन अगर हम इधर लगाएंगे, मन की बात करें कि अपने सोचो, सोचो सब कुछ, सोचो अपने बिजनेस के बारे में, सोचो अपने फ्यूचर के बारे में, सोचो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में, सोचो उनकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह हर चीज घर मकान सबके बारे में सोचो, मगर मन उसका मन बेचे सतगुरु के पास, बेच डालो तन भी, तन को भूल जाओ और मन को सतगुरु के पास लगा दो। मन तो सब कुछ, देखो अगर हम बैठे हैं बिना कुछ सोचे समझे बैठे तो बैठे कुछ नहीं मिलेगा, अगर हम दुकान बैठे कुछ काम नहीं हो रहा तो दुकान बारे में सोचेंगे क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब रही बात धन की, रही बात धन की, धन की बात ऐसी होती है कि देखो धन परमात्मा देता, जब आप सिंगल होते हो अकेले होते हो तब आपकी तनख्वाह कुछ और होती है ऑटोमेटिक। देखे जब बड़े हो जाते हो और कमाने लगते हो, शादी हो जाती तो ऑटोमेटिक आपकी आमदनी ऑटोमेटिक कहीं से बढ़ जाती। एक बच्चा आ जाता अपने आप, कहते बच्चा होगा तीन हो गए, तो वो तीन नहीं हो गए, वो अपने आप कुछ लेके आया, वो अपना खर्चा पाने आपको पहले से हिसाब किताब में जोड़ के लाया है, ये लो। जैसे जैसे बड़ा होगा आमदनी आपकी बढ़ती चली जाती है। तो धन तो परमात्मा का है, वो आपको हिसाब से, जैसे बच्चा छोटा होता जब बच्चा पैदा होता तो माँ का दूध पीता है, फिर उसको हॉर्लिक्स पिलाते हैं, कभी भरता आलू खिलाते, कभी दाल का पानी पिलाते, धीरे धीरे जैसे बड़ा होता उसको क्या कहते हैं सेरेलक वगैरह, ये कैटेगरी 1 2 3 ऐसे धीरे 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 गाय का दूध इसका दूध पिलाते, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे परमात्मा, वैसे वैसे परमात्मा खाने का पीने का उसका इंतजाम करता रहता। ऐसे ही तुम्हारे लिए हर चीज, कभी कहते हैं ना भूत का पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान आज अच्छा है, कहते भूत की सवारी में सवार हो के और भविष्य की दौड़ में दौड़ के आप अपनी मंजिल कभी नहीं पा सकते हो। हम अक्सर कहते हैं जिसको हमने देखा नहीं और देखेंगे या नहीं देखेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, उसके चक्कर में हम दिन रात पड़े रहते हैं। आज आपके घर में बेटी पैदा हुई है और 20 साल बाद आप शादी करोगे, आपका 20 मिनट का भरोसा नहीं कि आप 20 मिनट बाद जिंदा भी रहोगे मर जाओगे, कोई भरोसा नहीं है। तो आप प्लानिंग करते हो आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल बाद की प्लानिंग, बेटी पैदा हुई है अभी से बनाना स्टार्ट कर दो अभी से। अरे परमात्मा ने पता नहीं क्या कि ये जानता है कि तुम्हारे साथ 20 मिनट बाद क्या होगा, कि 20 दिन बाद क्या होगा, 20 घंटे बाद क्या होगा, 20 साल की बात तुम जोड़ रहे हो। अब बेटिया जब तक शादी लायक होगी तुम जिंदा हो गए, तुम तो मर के परलोक सोने चले जाओगे, पता नहीं तुम्हें कुछ पता नहीं कि आओ सजा ले आज को पल का पता नहीं, ओ सॉरी आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, और कल को छोड़ो जनाब पल का पता नहीं, मतलब पल में क्या हो जाए कोई पता नहीं है। तो हम धन की बात, अगर ये तीन चीजें हमने देखो, अब इनको कैसे रखना, आपने देखा होगा कि जब जब मियां बीवी में टकरार होती है
बीवी अंदर होती है और मियाँ बाहर होता है। तो ऐसे कि जब आपस में देखा होगा, आप सभी लोग जानते ही, प्यार वाली लड़ाई, कहते हैं छोटी सी बात पे कोई बीवी रूठ जाए या पति रूठ जाए और बात ना करे, कहते एक साथ घर में हो, एक साथ कमरे में हो, एक साथ बिस्तर में हो, मगर एक साथ होके भी उसके साथ नहीं है। खाना भी बना के उसी का हाथ खाते हो, कपड़े भी धुले हुए पहनते हो, सब कुछ करते हो, मगर बात नहीं करते हो, मतलब उसका ऐसा जताते नहीं हो, उस पर हावी नहीं हो। इसी तरह धन में रह के भी, जैसे ये पति पत्नी का एक प्याल वाला झगड़ा हो गया ना, मतलब उसका आप सदुपयोग तो कर रहे हो, मगर उसका कोई अपना अधिकार नहीं जमा रहे हो। जो दे दिया खा लिया झगड़े में, जो दे दिया वो पी लिया, जो दे दिया वो पहन लिया, ठीक है, वो उधर सो गया तुम उधर सो लो, एक बिस्तर पे कर्मल लेके सो जाओ भैया, अलग अलग सो जाओ, मतलब साथ होके भी साथ नहीं हो। ऐसे ही धन दौलत तुम्हारे आजू बाजू है, करोड़पति हो तुम, अरबपति हो तुम, मगर उसका मान नहीं तुम्हें, तब तुम्हारा परलोक सुहेला 100% नहीं, लाख टका करोड़पति बोला जितने परसेंट मान लो हो जाएगा। अगर हम ये सोचे हम बहुत धन की बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं, धन की सेवा हम बढ़ चढ़ करते हैं, रोज सत्संग जाते हैं, सुमरण दिन रात करते हैं, तो ऐसे हमारा सोहेला हो जाएगा, परलोक सोहेला नहीं हो सकता। ये तीन चीजों को एकदम हटा के तन मन धन परमात्मा का है, 100% नहीं उसी का है, ये आज गांठ बांध लो कि जिस तरह से बिटिया पैदा होती है आप गांठ बांध लेते हो, पराया धन है, एक दिन पराए घर जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बेटा घर में पैदा हुआ, आपको पता है कि एक दिन बहू घर में आएगी, क्योंकि बेटा पैदा हुआ आएगा, समझ सकते ना, कि घर में जब बेटा पैदा होता तो आपके मन में कि बहू, एक घर में एक बहू आएगी, तीन बेटे हो गए, तीन बहुएं आनी हैं, दो बेटियां हो जाए जा, चार बेटियां हो जाए एक दिन जानी, ये आपको हकीकत पता है, ये सबको पता है कि बेटी पराया धन होती है, ये पराए घर विदा करके जाना है, फिर आना जाना लगा रहेगा उस पर, अधिकार हमारी बिटिया है, हमारी बिटिया है, हमारा दामाद है, आना जाना लगा रहेगा। अब वो पराई हो गई, महे बिटिया, नाम चलता रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, उस पर अधिकार जो था अब उतना नहीं, क्योंकि आपने विदा कर दिया, आपने ब्याह दिया, आपने सतगुरु को दे दिया, बदले में आपको दामाद मिला, फिर आना जाना हो गया, धन का आना जाना हो गया, तन का आना जाना हो गया, मन का आना जाना हो गया। तो ऐसे ही धन का इस्तेमाल करना, किसी को 100 रुपए दे के भूल नहीं जाना, जताना नहीं, बस ये सेवा में दे दिए उसका, जब तुम्हारी इच्छा हो जाए, जब तुम इसके सामर्थ हो तुम्हें लौटाने की, तब दे देना, उसको परेशान नहीं करना कोई भी हो। अब ये तीन, तन मन धन, अगर तीन चीजों को हमने ऐसे कर दिया, इनका मान नहीं करोगे ना, तो कसम से बता रहा हूं सत्संग आप जाओ ना जाओ, और ज्ञान तो ले लिया है, ऑटोमेटिक अपने आप ही आपके अंदर वो फीलिंग आ जाएगी। हम रोज सत्संग जाते हैं और रोज सीखते हैं और रोज गलतियां करते हैं, अगर इन तीन चीजों हमने ऐसे कर दी, तन का मान नहीं, मन एकदम परमात्मा में लगा हुआ, सदगुरु में लगा हुआ, साथ संगत में लगा हुआ, सत्संग ना जाके सत्संग में मन लगा हुआ, और धन अरे कोई बात जो भी है ठीक है भैया, लो ठीक है भैया, तू ही निंकार तू ही निंकार, तो बस एक बच्चा स्कूल जाता है पहली से लेकर दसवीं तक कुछ पढ़ नहीं पाया, एक घर में रह के पता नहीं इंटेलिजेंट बन जाता है, कि पढ़े फारसी बेचे तेल, और ये देखो किस्मत का खेल। तो आज का वीडियो बस बता दिया, इन तीन चीजों का अगर आपने बिल्कुल वो मान नहीं किया,